आज हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का अध्याय 12 और अध्याय 12 में क्या पढ़ेंगे? नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति को पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि विकास क्या है या विकास का अर्थ क्या है, विकास किसको कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरह होना। बच्चों आप सबके दिमाग में क्या है, पश्चिम, अरे पश्चिम में ऐसी ड्रेस पहनते हैं, पश्चिम में ऐसी तरक्की करते, हर चीज़ में, चाहे आप तकनीक में देख लें, पहनावे में देख लें, खान पान में, हमारे दिमाग में पश्चिम छाया हुआ है। तो अगर पश्चिम के देशों में ऐसा होता है तो हम भी वैसा करें, तो अपन उसको आधुनिक होना अपन पश्चिम देशों से जोड़ लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ है कि पश्चिम देशों के औद्योगिक देशों की तरह, जहाँ जो सबसे अधिक विकसित और विकासशील देश है। अगर सामान्यतः यह माना जाता था कि पश्चिम राष्ट्रों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, अतः विकास की इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए राज्यों को विकास, विकसित और विकासशील तथा अल्पविकसित की संज्ञा दी जाए। विकास की इसी धारणा, कौन सी धारणा, कि पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरह आधुनिक प्रक्रिया से गुजरना, ये विकास की धारणा। इसी धारणा के आधार पर राज्यों को विकसित, विकासशील और अल्पविकसित की संज्ञा दी जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नियोजन का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो बच्चों वर्तमान युग में नियोजन मानव जीवन का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बन गया है, और संभवतः ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित मात्रा में नियोजन की आवश्यकता ना पड़ती हो। विशेष रूप से आधुनिक युग में सामाजिक और आर्थिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि नियोजन के बिना इसका सफल संचालन संपन्न नहीं होता, और यही नियोजन है। अब देखते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है। तो उद्देश्य निर्धारित करके कार्य चुनाव निर्णय करना, कि हमको अगर कोई कार्य करना है, हमको अगर कोई कार्य करना है, हमारा उद्देश्य है कि हमको 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि हमको 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, तो इसके लिए आपका लक्ष्य हो गया 12वीं कक्षा में पास होना। आपने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया, अब आप पढ़ाई करने के कैसे तरीकों को अपनाओगे, आप लिख लिख कर याद करोगे, तो आपको एक सूची बनाना पड़ेगी कि हमको इस कार्य को करने के लिए हमें ये दो या तीन स्टेप में हम पहले याद करेंगे, फिर हम लिख लिख के याद करेंगे। क्वेश्चनों को कैसे याद करना, पहले छोटे क्वेश्चन को याद करना, बड़े, तो ये आप एक तरह का आपके दिमाग में एक फॉर्मेट आ जाएगा कि हमको ये उद्देश्य या ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने इस कार्य प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही नियोजन में है कि उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर हमको कौन से कार्य पहले करना है, कौन से बाद में करना है, आपने कार्य देख लिया, कार्य का चुनाव कि कौन से प्राथमिकता के आधार पर करना है उसका चुनाव किया, फिर निर्णय किया कि हमको क्या और कैसे कार्य को संपन्न करना है जिससे हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
रूप से नियोजन एक तकनीक एक साध्य की प्राप्ति का साधन तथा है तथा वह साध्य है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित। सामान्यतः नियोजन एक तकनीक एक साध्य की प्राप्ति का साधन है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। इसी विषय में परिभाषाएं हैं, कुछ वैज्ञानिक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। तो डी आर गाडगिल के अनुसार नियोजन की परिभाषा है कि आर्थिक विकास के लिए नियोजन का अर्थ है कि नियोजन संस्था द्वारा आर्थिक क्रिया का बाहर निर्देशन तथा निर्गमन है। फिर है नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं? नियोजन के उद्देश्य को तीन भागों में बांटा गया है, पहला आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा राजनीतिक उद्देश्य। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि नियोजन का आर्थिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आर्थिक उद्देश्य साधनों के उचित उपयोग से उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, इससे आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होगा। आर्थिक उद्देश्य में कि साधनों के उचित उपयोग से उत्पादन में वृद्धि। अगर हम जो साधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उचित साधन अपनाते हैं, उचित मार्ग को अपनाते हैं कार्य करने में, तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलती है, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक समानता बढ़ेगी और आर्थिक समानता के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। जब उत्पादनों में वृद्धि होगी, पर्याप्त रोजगार के अवसर होंगे, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इससे आर्थिक स्थायित्व भी प्राप्त होगा। अब है दूसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य। नियोजन का दूसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है। इसमें है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत श्रमिकों की चिकित्सा व्यवस्था, बेरोजगारी बीमा व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करना। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि श्रमिकों की चिकित्सा, जो श्रमिक परिवार हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी चिकित्सा व्यवस्था करना, बेरोजगारी दूर करना, क्योंकि रोज अपन ने आर्थिक उद्देश्य में पढ़ा है रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो सामान्य सी बात है, बेरोजगारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत श्रमिकों की चिकित्सा व्यवस्था और बेरोजगारी दूर करना, बीमा करवाना और वृद्धावस्था की पेंशन की व्यवस्था करना आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत है। और आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के समान अवसर दिलाना। सामाजिक न्याय के अंतर्गत जातिगत भेदभाव की समाप्ति के प्रयास करना और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के समान अवसर दिलाना, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताएं हैं, बहुत अधिक तो नहीं, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको वह प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। फिर है राजनीतिक उद्देश्य। तो देश के आर्थिक विकास से सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता, शांति के
शांति की स्थापना को सुनिश्चित करना, देश के आर्थिक विकास से सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता और देश की शांति की स्थापना को सुनिश्चित करना, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब है योजना आयोग। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में बने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन की घोषणा की थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसकी घोषणा 15 मार्च 1950 को की गई थी और आयोग ने के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहेंगे। आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वह देश के जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अब है योजना आयोग के कार्य। तो पहला है साधनों का अनुमान लगाना, दूसरा है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, तीसरा योजनाओं का निर्माण करना और चौथा है प्रगति का मूल्यांकन करना। तो पहला है साधनों का अनुमान लगाना। किसी भी कार्य को करने के पहले उसके जो हम कार्य करेंगे उनके साधनों को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस कार्य में सफलतापूर्वक असफल हो पाएंगे। योजना आयोग का सबसे प्रथम कार्य देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तकनीकी तथा कर्मचारी साधनों के अनुमान लगाने में सबसे पहले भौतिक और मानवीय तकनीकी एवं कर्मचारी वर्ग संबंधी साधनों का अनुमान लगाना और देश की आवश्यकता की तुलना में कम प्रतीत होने वाले साधनों की वृद्धि की संभावनाओं को पता लगाना कि जिन साधनों के द्वारा हमको अपना कार्य पूर्ण करना है यदि वह हमारे पास कम है तो उनको हम कैसे बढ़ाएं, उनमें कैसे वृद्धि करें, इन सब का पता लगाना। अब है दूसरा प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। देश में उपलब्ध साधनों तथा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। देश के उपलब्ध साधनों और मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध साधनों और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि पहले किस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, अभी कौन सा कार्य आवश्यक है, कौन सा कार्य हम दूसरे या तीसरे या बाद पर कर सकते हैं। फिर है योजना का निर्माण करना। योजना आयोग देश की प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है। योजना आयोग
पंचवर्षीय देश की आवश्यकताओं के आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है। फिर है प्रगति का मूल्यांकन करना। योजनाओं के लागू हो जाने के बाद योजनाओं के लागू हो जाने पर उसकी प्रगति पर नजर रखना कि हमने जिस कार्य के लिए योजना करी या कार्य किया है उस कार्य में हमको कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, उस कार्य में हमको अपने लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है, इसका मूल्यांकन करना एवं उसके कारणों को जानकर सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सुझाव देना। योजनाओं के लागू हो जाने पर उसकी प्रगति पर नजर रखना और इसकी जानकारी सरकार को प्रतिवेदन के माध्यम से इस चीज की समीक्षा देना कि हमने इस कार्य में कितने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। इसका पांचवा कार्य है कि योजनाओं के सुचारू रूप से चलाने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र का निर्धारण करना। योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र या शासन का निर्धारण करना कि जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को अच्छे और आसानी से प्राप्त कर सके। फिर योजना की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना। योजना की सफलता के लिए सरकारों के साथ साथ किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक आपको सरकारों का समर्थन प्राप्त नहीं है तो ये बड़े बड़े कार्य करना मुश्किल है। तो योजना की सफलता के लिए सरकारों के साथ साथ जन सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर जन सहयोग भी प्राप्त हो जाता है और सरकारों का भी आपके साथ सहयोग है तो आप अपने कार्य में जल्दी सफल होंगे। और योजना आयोग ने जो योजना बनाई है जिस कार्य को करने के लिए जो उद्देश्य है उनका कार्य करने का वह उद्देश्य सफल होगा और उसमें वह आसानी से उन कार्यों को शीघ्र खत्म कर देंगे। योजना आयोग के संबंध में कुछ आलोचकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी सत्य नहीं माना जा सकता और किसी भी योजना या परियोजना के निर्माण के लिए योजना आयोग की विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और संसाधनों की सूचनाएं केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और योजनाओं का प्रारूप बनाने के लिए योजना आयोग के केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग तो मात्र वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देता है और योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन तो सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी तंत्र के द्वारा होता है। अतः योजनाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में योजना आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अभी इस दिशा में बहुत कुछ कार्य करना भी शेष है जिसके लिए सरकार योजना आयोग को विकास का वास्तविक यंत्र बनाने के लिए प्रयत्नशील भी है। बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और जैसा हम हमेशा बोलते हैं कॉपी में लिखना नहीं है याद भी करना है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको याद भी करेंगे।